नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना चैनल ए टू जेड रिपेयरिंग में। दोस्तों, ये बेस्टन का 14 इंच सीआरटी टीवी है। इसमें प्रॉब्लम क्या आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर किनारे किनारे जो है हॉरिजॉन्टल कट रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं लगभग 2-3 इंच जो है दोनों तरफ से जो है इसका हॉरिजॉन्टल साइज जो है कट रहा है। तो आज के वीडियो में जानेंगे कि इसका रिपेयरिंग कैसे करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से करना चाहूँगा रिक्वेस्ट, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे सबसे पहले। तो दोस्तों, आपका समय को ख़राब न करते हुए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं एक छोटा सा इंट्रो के साथ। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि ये जो प्रॉब्लम आप स्क्रीन पर अभी देख चुके हैं वो प्रॉब्लम जो है किन स्टेज से है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो प्रॉब्लम है ये हॉरिजॉन्टल सेक्शन का प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि किसी भी सीआरटी टीवी में जो हॉरिजॉन्टल सेक्शन होता है वो कौन सा होता है। तो हॉरिजॉन्टल सेक्शन, इसमें जो हमारा ये वाला सेक्शन जो हॉरिजॉन्टल है, ये ईएसटी भी जो हॉरिजॉन्टल सेक्शन में ही लगा हुआ है। तो ये प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या ट्रेस करना है, ये दोनों वायर जो देख सकते हैं ये रेड और ब्लू वायर है, इसमें जितने सारे कंपोनेंट लगे होते हैं उसको बारी बारी से आपको चेक करना है। और हमारा सबसे पहले तो ये आउटपुट ट्रांजिस्टर पर वोल्टेज चेक करना है। तो सबसे पहले तो ये जो हॉरिजॉन्टल सेक्शन में ये जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है इसके बीच वाले लेग पे जो है हमें 110 वोल्ट चेक करना है कि वो 110 वोल्ट प्रॉपर आ रहा है कि नहीं। तो दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि पावर सेक्शन से भी जो है इस तरह का प्रॉब्लम होता है। तो पावर सेक्शन में ये जो कैपेसिटर लगा होता है यहाँ पे आपको 250 से 300 वोल्ट के लगभग चेक करना है। हालांकि इसका कंडेंसर फूला हुआ है तो मैं ये कंडेंसर को बदल के पहले ही देख लिया, ये कंडेंसर का प्रॉब्लम नहीं है। पर ये जो प्रॉब्लम है ये पावर सप्लाई से नहीं है, ये हॉरिजॉन्टल सेक्शन से ही है, क्योंकि इसका जो पावर को मैंने पहले ही चेक कर लिया। तो अभी मैं हॉरिजॉन्टल सेक्शन का रिपेयरिंग करने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो ये दोनों वायर है, रेड और ब्लू है, ये वायर को आपको ट्रेस करना है कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट लगे होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा रेड और ब्लू वाला वायर है वो ये वाला है, एक ये है और ये है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो दो पॉइंट है ये हॉरिजॉन्टल के लिए है, यहाँ से कनेक्शन जो हमारा योग पे जाता है और यहाँ से देख सकते हैं डायरेक्ट जो है ईएसटी से कनेक्शन निकला हुआ है। तो रह गया ये हमारा दूसरा पॉइंट जिससे योग पे कनेक्शन जाता है, और ये वाला कनेक्शन जो है यहाँ से एक जम्फर द्वारा आया हुआ है, और ये देख सकते हैं ये प्रिंट जो है इधर गया हुआ है और इसमें से पीएफ लगा हुआ है, और फिर यहाँ से इसमें जो है डायोड लगा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है। ये कैपेसिटर का नंबर 10 mF 250 वोल्ट है। तो ये कैपेसिटर भी मैं चेंज कर लिया हूँ। तो ये कैपेसिटर चेंज करने के बाद भी जो हमारा प्रॉब्लम ठीक नहीं हुआ, तो अभी मैं इसका आउटपुट वोल्टेज चेक करने वाला हूँ ये आउटपुट ट्रांजिस्टर के बीच वाले लेग पे। तो दोस्तों, ट्रांजिस्टर के बीच वाले लेग पे हमें 110 वोल्ट चेक करना है, और उसके लिए मीटर को डीसी वोल्ट 250 रेंज में सेट करना है। और अब जो है मीटर का एक प्रोड को जो है ग्राउंड में लगा लेते हैं और प्लस प्रोड को यहाँ ट्रांजिस्टर के बीच वाले लेग पे रखना है। और यहाँ पे देख सकते हैं करीब 75 वोल्ट मिल रहा है, जो कि यहाँ पे 110 वोल्ट मिलना चाहिए। मीटर को मैं बढ़िया से दिखाने की कोशिश करता हूँ, देख सकते हैं वो भी 75 वोल्ट कभी कभी ड्रॉप कर रहा है, कभी नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे आउटपुट ट्रांजिस्टर के बीच वाले लेग पे जो है कभी 75 वोल्ट मिलता है और कभी कुछ भी वोल्ट नहीं मिलता है। तो इसके लिए क्या करना है कि ये आउटपुट ट्रांजिस्टर को खोल लेना है एक बार, और खोलने के बाद में दोबारा से यहाँ वोल्टेज चेक करना है। तो चलिए, हम यहाँ का ट्रांजिस्टर जो है वो मैं खोल लेता हूँ। तो ये वाला जो SMPS ट्रांसफार्मर है इसका 2 नंबर पिन से हमारा 110 वोल्ट आउट होता है, देख सकते हैं 1, 2, ये वाला 2 नंबर पिन है SMPS ट्रांसफार्मर का। और इधर से जो है यहाँ पे आया हुआ है एक डायोड के द्वारा, और यहाँ से ये सप्लाई यहाँ पे आया हुआ है, और यहाँ से एक जम्फर के द्वारा यहाँ पे आया हुआ है। और ये वाला प्रिंट देख सकते हैं ये हमारा ESTी पे चला गया है, यहाँ पे देख सकते हैं। मैं आपको कैमरे को थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाता हूँ, देख सकते हैं ये वाले पिन पे जो है आ गया है हमारा सप्लाई, और ये वाले पिन से जो है ESTी के जरिए जो है
यहाँ से एक दो ये नंबर पिन से जो हमारा सप्लाई यहाँ पे आया हुआ है आउटपुट ट्रांजिस्टर पे आया हुआ है। तो हमें क्या करना है, ये वाला जो प्रिंट में अभी बताया, ये वाले प्रिंट को आपको ट्रेस करना है कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट लगे हुए हैं, उसको बारी बारी से आपको चेक करना है कि कोई कंपोनेंट शॉर्ट तो नहीं, अगर शॉर्ट होगा तो हमारा वोल्टेज जो है ड्रॉप करता होगा। तो चलिए हम बारी बारी से सभी कंपोनेंट को चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों ये वाले प्रिंट में जितने भी कंपोनेंट थे सभी को मैं चेक किया, तो सारे कंपोनेंट जो है सही मीटर से बता रहे थे, पर मैं बारी बारी से सभी को चेंज किया। यहाँ पे एक 100 mF 160 वोल्ट का कंडेंसर होता है, देख सकते हैं ये वाला कंडेंसर, तो ये वाला कंडेंसर को भी जो है मैं चेंज करके देख लिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। देख सकते हैं ये वाला 160 वोल्ट का कंडेंसर है, इसको भी मैं चेंज करके देख लिया तो कोई विशेष फर्क नहीं पड़ा। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या प्रॉब्लम निकला, और ये अब तो ठीक हो चुका है। तो यहाँ से ये जो सप्लाई 110 वोल्ट आउट होता है, इसमें एक डायोड होता है FR155, देख सकते हैं ये वाला डायोड, तो ये भी डायोड मीटर से जो सही बता रहा है, पर ये डायोड को चेंज करने के बाद में हमारा प्रॉब्लम ठीक हो गया। होता क्या था कि इसमें जब आउटपुट का लोड पड़ता था तो ये डायोड जो है प्रॉपर काम नहीं करता था, ये डायोड बहुत ज़्यादा हीट होता था और प्रॉपर काम नहीं करता था, जिसके कारण हमारा सप्लाई ड्रॉप हो रहा था। तो अभी मैं मीटर से आपको चेक करके दिखा देता हूँ कि ये डायोड जो हमारा मीटर से जो है बिल्कुल सही बता रहा है, देख सकते हैं डायोड हमारा जो मीटर से सही बता रहा है। तो जब किट में लगा हुआ था तो आउटपुट का जब लोड इस पर पड़ता था तो ये डायोड प्रॉपर वर्क नहीं करता था, जिसके कारण हमारा प्रॉब्लम जो है क्रिएट हुआ था। तो अब मैं आपको टीवी को ऑन करके दिखा देता हूँ। टीवी में मैं लाइन दे चुका हूँ, और लाइन देने के बाद में देख सकते हैं कि हमारा जो कट रहा था हॉरिजॉन्टल वो बिल्कुल ठीक हो गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और दोस्तों जानकारी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कुछ सुझाव देना हो तो कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।